इंटरनेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ और डच और जर्मन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। तो मेरे को खेलते हुए 8 साल हो गए हैं। मैंने खेलना सिर्फ फिटनेस के पर्पज से स्टार्ट करा था, अपने कज़न ब्रदर को देख के। मेरा ड्रीम यही है कि अब इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रही हूँ, इंडिया के लिए मेडल भी लेके आना है और पोडियम पे खड़े होकर इंडिया की नेशनल एंथम सुननी है। फैमिली में सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा पापा सपोर्ट करते हैं। अभी CBSE को लेटर लिखी है कि बोर्ड्स के पेपर वो बाद में ले, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं पेपर्स के टाइम और लेट रात को उठ के स्टडीज़ करनी पड़ती है। इंटरनेशनल में सिलेक्ट हुई हूँ और डच और जर्मन में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। तो इसके लिए ट्रायल कहाँ पर हुए थे, कब से आपकी तैयारियाँ चल रही थी? इसके ट्रायल्स दिल्ली में हुए थे और उससे पहले हैदराबाद रैंकिंग हुई थी, तो वहाँ पे मैं डबल्स की विनर थी, तो उसके बेसिस पे डबल्स और मिक्स के मेरे ट्रायल्स हुए थे। तो ये शुरुआत कैसे हुई करियर की, कैसे काम पड़ा, इस बारे में बताइए। तो मेरे को खेलते हुए 8 साल हो गए हैं। मैंने खेलना सिर्फ फिटनेस के पर्पज से स्टार्ट करा था, अपने कज़न ब्रदर को देख के, बट धीरे धीरे इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ता रहा, तो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये शुरुआत कितने साल की उम्र में हो गई थी और प्रैक्टिस का क्या आवर्स रहते हैं? मैंने शुरू 9-10 ईयर्स में स्टार्ट कर दिया था और अभी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। दिन में 7-8 आवर्स प्लेइंग होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है 5-7 और फिर 9-12 और इवनिंग में 6-9। तो ये शुरुआत थी, इसको एज ए करियर को फील कर रहे हो अब तो आप, जिस तरह आप खेल रहे हो, या फिर आपके ड्रीम कुछ और है? मेरा ड्रीम यही है कि अब इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रही हूँ, इंडिया के लिए मेडल भी लेके आना है और पोडियम पे खड़े होकर इंडिया की नेशनल एंथम सुननी है। तो क्या रहता, कैसे आपकी, क्या शेड्यूल रहता है, आपका डाइट वगैरह कैसे रहती है? तो जैसे मेजरली तो स्टडीज़ और बैडमिंटन, ये एक्स्ट्रा टाइम इतना होता नहीं है कुछ और करने को, और डाइट में एज सच जो मम्मा बनाते हैं खाने को घर में वही है, बट जैसे बाहर का नहीं है, फ्राइड वगैरह वो मैं अवॉइड करती हूँ या फिर 15 डेज में एक बार ही, तो वैसे जो सारा प्रोटीन डाइट वही इनटेक करती हूँ। तो जब शुरू किया था आप ऐसे करियर पर्सू कर रहे हो, तो फैमिली सपोर्ट कैसा? फैमिली में सारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा पापा सपोर्ट करते हैं, कोई भी टूर्नामेंट होता है तो साथ में पापा जाते ही जाते हैं, और कई बार अगर पापा नहीं होते तो मम्मा जाते हैं, तो सारी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कितना मुश्किल लगता है कि स्टडी भी कर रहे साथ साथ में इतना खेलना भी, आप जैसे नेशनल प्रेजेंट करना भारत के लिए, आप विदेश में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम तो प्रैक्टिस को देना होगा। तो स्टडीज़ करना मुश्किल है, जैसे अभी मेरी +2 भी है और मेरे बोर्ड्स और ये मैचेस भी क्लैश हो रहे हैं, तो फिर अभी CBSE को लेटर लिखी है कि बोर्ड्स के पेपर वो बाद में ले, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं पेपर्स के टाइम और लेट रात को उठ के स्टडीज़ करनी पड़ती है। पहले स्टार्टिंग में होता था बट अब इतना फील नहीं होता है, क्योंकि मेरे को भी अब बाहर जाने का ना तो टाइम मिलता है ना मन करता है अब जाने का, इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है, इधर हिम्मत ही नहीं होती उसके बाद जाने की कहीं। तो अभी हैदराबाद में जब हमारा मैच था प्री क्वार्टर, तब हम काफ़ी ज़्यादा पीछे थे, तो मेरे को लगा था शायद हम हार जाएंगे, बट जो मेरी पार्टनर थी और कोचेस थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने मोटिवेट करा और वहाँ से हमने लीड कवर करके मैच जीत लिया था हमने। सबसे ज़्यादा मोटिवेट जैसे पेरेंट्स, पापा मेरे इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपना बिजनेस को भी साथ में, उनका थोड़ा ख़राब होता है यह बिज़नेस क्योंकि वो इतना टाइम मेरे पे लगाते हैं, तो पापा के जो एफर्ट्स है वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सारा टाइम इसी में चला जाता है और जो टाइम बचता है उसमें पढ़ाई करनी होती है। कर रहे हैं, पर जब ट्रायल्स का टाइम आता है, जैसे अभी दिल्ली में ट्रायल था,
प्रेशर होता है, बट जैसे अगर मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं, कोचेस से या फिर अपने पार्टनर से, तो वो काफ़ी ज़्यादा जैसे मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं होता, जो भी होएगा अच्छे के लिए होएगा। तो एज सच इस बार बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था और एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। तो कोई भी जब टूर्नामेंट होते हैं, कोचेस यही बोलते हैं कि अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट का नहीं सोचना, क्योंकि एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो अपना बेस्ट दो और जो बाकी होएगा वो अच्छे के लिए ही होएगा। अभी तक कौन से टूर्नामेंट जीत चुकी हैं आप? अभी मेरा नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल है, सीनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल है, और नेशनल रैंकिंग्स में, जूनियर नेशनल रैंकिंग्स में गोल्ड भी है, और अभी मैं करंटली इंडिया नंबर 1 हूँ मिक्स डबल्स में और इंडिया नंबर 4 गर्ल्स डबल्स में। तो दिल्ली में अभी जो ट्रायल्स में बच्चे आए थे वो इंडिया के टॉप 4 जो प्लेयर्स थे वो थे, और जो हैदराबाद रैंकिंग के टॉप 4 प्लेयर्स थे तो वो थे। सर इनू प्रैक्टिस करदे नू मतलब कि 5-6 साल हो गए, तो मतलब काफ़ी वधिया प्लेयर हैगी आ, ते 2023 च भी काफ़ी मैडल सीगे जिहड़े नैशनल लैवल दे, मतलब कि सारे मैडल हैगे, नैशनल गेम च भी इहदा आया सी मैडल, खेडा वतन पंजाब दियां भी गोल्ड मैडल सी, स्कूल नैशनल गेम च भी इहदा गोल्ड सीगा, सीनियर नैशनल जिहड़ी गुवाहाटी होई उहदे विच भी ब्रोंज मैडल सीगा, ते उस तों बाद हैदराबाद जिहड़ी 2024 च होई उह च इहदा गोल्ड मैडल सी, ते उस तों बाद सिलैक्शन सीगी, सिलैक्शन ते सिलैक्ट हो के जिहड़ी हुण इंडियन टीम च सिलैक्ट होई आ जर्मन ते टच लई। सर इन्हों ने मतलब प्रैक्टिस वगैरह होंगी, 3 टाइम इन्हें प्रैक्टिस चलती, सवेरे 5:30 तो लैके 7:30 तक, फिर 9:30 तो लैके 12 बजे तक, फिर शामी 6-9, 3 टाइम मेरी प्रैक्टिस होंगी आ। तो सानू मतलब बहुत प्राउड आ कि जलंधर की पहली कुड़ी जी इंडिया टीम से सिलेक्ट हुई है, हिस्टरी क्रिएट हुई है। बिल्कुल सर, मान्या च क्वालिटी नज़र आ रही थी जो मान्या ने स्टार्ट किया, सानू उदो ही उम्मीद सी कि एक ना एक दिन इंडिया टीम च जरूर खेलेगी। बिल्कुल सर, एक्चुअली सर मैं भी इंडियन टीम च खेलिया 10 साल लगातार, मेरी पहली जड़ी इंडियन टीम च सिलेक्शन हुई थी वो हुई थी 96 च, तो मैं 2004 तक लगातार खेलिया इंडियन टीम वालों, मैनू पता थी कि प्रैशर होंगे जिदा सिलेक्शन ट्रायल का या वह, इन्हें मैं उद्दी प्रिपेयर करके जरा उत्थे भेजा सगा कि तू भाई प्रैशर कोई नहीं रहना, अपनी 100% गेम जी खेलनी है, क्योंकि रैंक यदा जरा 1 सगा मिक्स डबल डबल दोनों। प्रैक्टिस आवर साढ़े सवेरे साड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है 5:30 तो लैके 7:30 तक, फिर 9:30 तो लैके जी 12:30 तक। नहीं ये कदम नहीं किया, ये क्वालिटी सी, क्योंकि इन्हें शुरू तो एक लगन सी, एक इनू सगा कि मैं प्लेयर बनना, तो मैं इंडिया टीम से जरूर सिलेक्ट होना।